नए सत्र की शुरुआत से पूर्व अभिभावकों की भीड़ पुरानी पुस्तकों की दुकान पर दिखने लगी है। अभिभावक नई के बजाय पुरानी पुस्तकों को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में नए सत्र से पूर्व बच्चों के पाठ्य पुस्तकों की खरीद अभिभावकों का मुख्य लक्ष्य होती है। नई पुस्तकों के मूल्य आसमान छूते नजर आ रहे हैं। वहीं आधी कीमत पर वही पुस्तकें फुटपाथ पर बिक रही है। अभिभावकों की अच्छी खासी भीड़ ऐसी दुकानों पर नजर आई। बहुत लगता है कुछ यहाँ से मिला जुला के दे देते हैं, नया पुराना जो चेंज हो जाता है जाकर के नया लेते, जो नहीं चेंज होता है यहाँ से यहाँ मिल रहा है। क्या लेना है मैडम? हम बुक लेने के लिए आए थे विवेकानंद का स्कूल का, फोर क्लास का, सिक्स क्लास का। मिल गया सारा? जी पूरा नहीं मिला है, फोर क्लास का भी दो चार मिला है, सिक्स का भी दो चार मिला है, लेकिन हाँ अच्छा कंडीशन का है, नया बुक है, 10% डिस्काउंट है। दुकान में जाने से तो किताब भी नहीं मिलता है, और क्या बोलते हैं दाम भी बहुत रहते हैं यहाँ, सब किताब आने दाम में मिल जाता है और सब किताब सही भी रहता है। हाँ पुराना किताब अच्छा भी होता है, सब पेज भी नया नया ही रहता है। मिल जाता किताब यहाँ पे? हाँ थोड़ा बहुत मार्केट ठीक है अभी। मार्केट ठीक है। कहाँ कहाँ से किताब आता है आप लोग पास? हम लोग कलकत्ता से किताब लाते हैं, पटना से लाते हैं, और कुछ लोकल मार्केटिंग करते हैं। क्या क्या किताब बेचते हैं? और स्कूल वगैरह की, स्कूल कॉलेज सब बुक मिलते हैं, और स्कूल कॉलेज मेडिकल साइंस कंप्यूटर टोटल बुक मिल जाती है, मिल जाता है। और अभी के टाइम में स्कूल की सीजन चल रही है, 1 से 12 तक की टोटल अवेलेबल बुक मिल जा रही है हम लोग पास। कितना साल से धंधा कर रहे हैं आप? हम लोग 15 साल। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। संस्कृत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों से आए संस्कृत पंडित भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में पहले दिन कालिदास के साहित्य की शाश्वतता पर चर्चा हुई। मोतीलाल नेहरू प्रेक्षागृह में चल रही संगोष्ठी में देश के कोने कोने से संस्कृत के प्रकांड पंडित भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय संगोष्ठी में आधुनिक परिवेश में संस्कृत की उपयोगिता में विचार मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के प्रथम दिन कालिदास के साहित्य एवं उसकी शाश्वतता विषय पर चर्चा हुई। संस्कृत विभागाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है, जिस पर चर्चा होनी है कालिदास के साहित्य की शाश्वतता। इस पर आज पूरे हिंदुस्तान से विद्वान पधारे हुए हैं, कुछ पद्मश्री धारक रामचंद्र सूर्य जैसे भी पधारे हुए हैं। इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी कि संस्कृत में कालिदास जी की शाश्वतता कहां तक है। एबीवीपी द्वारा गुरुवार को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कोल्हान वीवी कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का कहना है कि पिछले दिनों ग्रेजुएट कॉलेज में हुई मारपीट की घटना में समिति द्वारा जो जांच की गई थी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ग्रेजुएट जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज में घटना घटित हुई थी, उसको लेकर कॉलेज प्रशासन के द्वारा 72 घंटों के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई थी, और विश्वविद्यालय प्रशासन के वीसी द्वारा अभी तक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, और अन्य छात्र संगठनों के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि गिरफ्तारी की जाए। अरे जांच रिपोर्ट ही जब सार्वजनिक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी किस चीज की होगी, पहला। और दूसरा यह कि जब तक जांच रिपोर्ट अगर सार्वजनिक नहीं की जाती विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, विद्यार्थी परिषद इसका पूर्ण जोर विरोध करेगी, और वीसी ये बता देना चाहती है कि विद्यार्थी परिषद किसी से कमजोर नहीं है। जैसे कि अन्य छात्र संगठनों द्वारा उनका घेराव किया जा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद कभी भी घेराव कर सकती है और कभी भी आंदोलन कर सकती है। कदमा ECC फ्लैट के रहने वालों ने SP को ज्ञापन सौंपकर चोरी की घटनाओं का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की है। कदमा ECC फ्लैट के रहने वालों ने गुरुवार को SP को ज्ञापन सौंपा। वे क्षेत्र में बढ़ रही चोरी एवं आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे थे। ECC कदमा फ्लैट में जो है आए दिन चोरी मतलब बढ़ते जा रहा है, तो उसी के चलते हम लोग आए थे वहाँ पे। थाना प्रभारी का रवैया जो है सकारात्मक नहीं है, पुलिस किसी भी तरह कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आए थे SP साहब से भेंट करने के भाई कि वहाँ जो है हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। हम सभी लोग टाटा स्टील एम्प्लॉई हैं और हम लोग अपना परिवार जो है उन्हीं लोगों के सहारे छोड़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ ECC कदमा फ्लैट में जो है आए दिन काफ़ी चोरियाँ हो रही है और हम लोग सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग SP साहब के पास आए थे कि भाई हम लोगों पे चोरों पे जो है कार्रवाई किया जाए। शहर में गुरुवार को कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। संकल्प एवं निर्माण संस्था द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में शिविर का आयोजन हुआ।
वहीं महादान संस्था द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाई गई। चलिए टेस्ट करो।